ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय गुरु कमल का हुआ उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर, रिबन काटकर नारियल फोड़कर कार्यालय का किया उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे गुरुग्राम से, बीजेपी कार्यालय गुरु कमल का हुआ उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। रिबन काटकर नारियल फोड़कर कार्यालय का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आपको बता रहे, बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यालय का उद्घाटन किया। रिबन काटकर नारियल फोड़कर बड़े खुशी के माहौल में उद्घाटन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी समारोह में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं गुरुग्राम से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इस उद्घाटन में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम से, ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। और इस कार्यक्रम में राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए समारोह में। ये लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गुरुग्राम से, बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन समारोह की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आपको हर खबर पे, हर खबर की तरफ से आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं। इस मौके पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे यशस्वी अभी चार राज्यों में शानदार विजय का परचम फहराकर हमारे कार्यालय के उद्घाटन के लिए पधारे हैं, मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको आखिरी व्यक्ति जो है इस हरियाणा में उसकी चिंता है, उसके आमंत्र बढ़ाने की चिंता है, इस काम को लेकर जो है मिशन सेवा में है के मंत्र के साथ काम करते हैं, ऐसे में मनोहर लाल जी का भी यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस मौके पर हमारे बीच में पूरे देश की हवा पानी की चिंता करने वाले पर्यावरण के मंत्री, मजदूरों की चिंता करने वाले लेबर मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। इस मौके पर हमारे मध्य हमारे प्रभारी, जिनका लगातार हमको बारे प्रश्न देता है, ऐसे आदरणीय विनोद तावड़े जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस मौके पर हमारे मध्य में राव इंद्रजीत सिंह जी, मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र में ये कार्यालय स्थित है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उसके साथ प्रसन्नता जी गुजर जो है हमारे केंद्रीय मंत्री, वहां के कार्यकर्ता भी यहाँ बता रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय भूपचंद जी, हमारे संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी, सुनीता दुग्गल जी, अन्य जो पार्टी के अधिकारी और पदाधिकारी जो उपस्थित हैं, सबका स्वागत है, सबका वंदन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। मैं कहता हूं कि कोई अगर मेरे से सवाल करे क्या मैंने ईश्वर को देखा है, तो मैं कहता हूं मैंने अपने कार्यकर्ताओं में ईश्वर को देखा है। जनता ने ईश्वर के विराट रूप को देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दुर्लभ कार्यकर्ता जो विराट पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़कर काम करता है, आज इसके लिए उत्सव है, ये पर्व है, ये आनंद।
राष्ट्र के लिए कैसे काम करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय प्रशिक्षण का केंद्र होता है, जहाँ अनेक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग मिलती है कि जीवन के रास्ते पर कैसे अपने कौशल को निखारते हुए गुणों को निखारते हुए आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय निर्णय की भूमि है, जहाँ बैठकर फैसले लेते हैं कि कैसे देश के हित में हमको लगातार काम करना है। इस प्रकार के कठोर से कठोर और देश के लिए किसी भी प्रकार के फैसलों की आवश्यकता होती है। अभी कश्मीर मार्च आपको याद होगा, नड्डा जी जब मोदी और जोशी जी के साथ गए थे, या देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में जिसके हिस्से में देश को जरूरत होती है, वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है। ऐसे सब निर्णय हमारे कार्यालयों में लिए जाते हैं। हमारे कार्यालय हमारे कर्म भूमि है, उनके कर्म लोग है। वहां किस प्रकार से गतिविधि को इवेंट की जाए, इसके निर्णय भी हमारे कार्यालय में होते हैं। इसलिए हमारा कार्यालय कोई ऑफिस नहीं है, ये चलता है परिवार की अवधारणा पर चलता है, तपस्या की अवधारणा पर चलता है, संस्कार की अवधारणा पर चलता है। सिर्फ प्रशिक्षण और शिक्षण हम केवल कम नहीं करते, अपने आप को रोजाना इम्प्रूव करते हैं। हम इस मंत्र से चलते हैं कि इस मौके पर कहना चाहूंगा, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। इस मौके पर आज हमने 4000 बाबा साहब की जयंती मनाई है। हरियाणा में हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा ने 1,00,000 नई सदस्यता के संकल्प के साथ मनाई है, और इस प्रकार से मनाई है कि बाबा साहब जो आपका सपना था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, उस समय नागरिक संहिता के दिवस के रूप में आज की जयंती हमने मनाई है। हमने कहा है बाबा साहब कुछ बातें आप संविधान में लिखना नहीं चाहते थे, लिख दी गई। आप भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत लिख दी गई उनको मिटाने का काम किया है। संविधान की धारा 370 बाबा साहब अम्बेडकर लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन लिखी गई पढ़ी गई। बाबा साहब संविधान सभा में नहीं आए थे, बाबा साहब ने शेख अब्दुल्ला को पत्र लिखा था कि शेख अब्दुल्ला जी आप चाहते हो कि भारत आपकी सीमाओं की रक्षा करे, आप चाहते हो कि भारत वहाँ सड़क बनाए, आप चाहते हो कि वहाँ भारत खुद ले, आप चाहते हो कि भारत के समान आपके नागरिकों को सुविधा मिले, लेकिन भारत का कानून वहाँ लागू नहीं हो। आदेश के कानून मंत्री के नाते भीमराव अम्बेडकर इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और मैं बधाई देना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, यहाँ बैठे हुए नेतृत्व को, कि धारा 370 को बाबा साहब लिखना नहीं चाहते थे बीजेपी ने संविधान से हटाई है। बाबा साहब भी खुश रहे होंगे क्योंकि वो प्रखंड राष्ट्रवादी थे। बाबा साहब एक बात लिखना चाहते थे कि देश में समान नागरिक संहिता हो, अब वो वक्त आ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड के पुष्कर धामी जी ने कहा है कि हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने पर विचार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि बाबा साहब की जो एक इबारत लिखी जानी चाहिए थी देश में समान नागरिक संहिता की, उसी को समर्पित होकर आज हमने उनकी जयंती मनाई है। और आज हम बाबा साहब ने संकल्प करते हैं, बाबा तेरा सपना अधूरा वर्तमान भारत करेगा पूरा, जो नेतृत्व मेरे सामने बैठा है वो तो सपने को पूरा करके दिखाएगा। मैं बाबा साहब को अपनी भावांजलि सपना के लिए अर्पित करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये अमृत महोत्सव का वर्ष है और हरियाणा ऐसी भूमि है जहाँ आजादी की प्रथम लड़ाई हमने बड़े जोर शोर से लड़ी थी। हजारों लोग हमारे बलिदान हो गए थे। राव इंद्रजीत जी यहाँ पर हैं, उदाहरण जी नसीबपुर में लड़े थे, नाहर सिंह बल्लभगढ़ में लड़े थे, हरिदास यागुड़ गांव में लड़ाई लड़ी गई, मेवात में लड़ी गई, मेवात के साथी यहाँ हाजिर है, थत्तगढ़ में लड़ी गई, छज्जर में लड़ी गई, झांसी में लड़ी गई, हिसार में लड़ी गई, अम्बाला से क्रांति शुरू हुई। ये क्रांति की भूमि है, यहाँ रक्त रक्त में किसी न किसी स्थित का खून है, कण कण की भूमि में। ऐसे अमृत महोत्सव में इस मौके पर आप कार्यालय का उद्घाटन पदक करने पधारे हैं। हम वो सैनिक हैं जो आजाद हिंद फौज में थे, 2715 हमारे लोग, और उसमें से 346 लोग बलिदान हो गए थे, 450 लोग लापता हो गए थे। हम उन लिस्टों में हैं आजाद हिंद फौज के जो सुभाष के साथ लड़े, और 26,000 लोग जो बलिदान हो गए थे, हम उन लोगों में हैं जो आजादी की लड़ाई के लिए यहाँ ऐसे ऐसे लोगों ने कट रहे हैं, किसी किसी को तोप से उड़ा दिया, गिरफ्तार कर दिया। विकास पुत्र उपनी राम को पहली बार चीजें मार दी गई, फांसी के फकीर चंद जैन को उनके घर के सामने हुकुम चंद जैन को फांसी दे दी गई। यहाँ को यदि से बिगड़ा गया, कहीं फांसी में कहीं सोई पत्ने, उन सब वीरों को नमन करते हुए अज्ञात वीरों को, अज्ञात वीरों को जो 327,000 लोग शहीद हुए, देश में 13,500 लोगों को तोड़ से फांसी दी गई, और उसमें से 850 वीर
किया है सुभाष को, गांव गांव में नमन किया है चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, उनके गांव से मिट्टी लाकर, उनकी श्रद्धांजलि की सभा से मिट्टी लाकर हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने उस चित्र को जीवंत किया है। अमृत महोत्सव में मैं इन कार्यकर्ताओं को वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए, सारी टीम का स्वागत करते हुए, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, आज का जो एक कार्यक्रम उद्घाटन का उत्सव है, पर्व है, हमारे लिए आनंद का पर्व है, इन्हीं शब्दों में फिर से आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने संसद महामंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश में बहुत कार्यकर्ताओं का निर्माण किया और अब 7 वर्षों से हरियाणा प्रदेश की जनता की जो सेवा करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह आए, हम सबको संबोधित करें। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, भारत माता के। भारत माता की। केंद्रीय कार्यालय बहुत नजदीक है, दिल्ली में भारत का आवाज बताओ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज अति पवित्र दिन है, 14 अप्रैल कई प्रकार का महत्व इस दिन का है। इस पवित्र दिन पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा जो स्वयं पधारे हैं हम लोगों को संदेश देने के लिए। मैं सर्वप्रथम हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते देश की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में केंद्र सरकार के 3-3 मंत्री हमारे साथ हैं, भूपेंद्र जी यादव जो अपने पर्यावरण और वन मंत्री केंद्र सरकार भारत माता के। धन्यवाद। आज अति पवित्र दिन है, 14 अप्रैल कई प्रकार का महत्व इस दिन का है। इस पवित्र दिन पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा वो स्वयं पधारे हैं हम लोगों को संदेश देने के लिए। मैं सर्वप्रथम हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में केंद्र सरकार के 3-3 मंत्री हमारे साथ हैं, भूपेंद्र जी यादव जो अपने पर्यावरण और वन मंत्री केंद्र सरकार है, साथ में राव इंद्रजीत जी केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री कृष्णपाल जी गुर्जर केंद्रीय राज्य मंत्री, और साथ ही हमको स्नेह मिल रहा है हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी का भी, वो भी एक प्रकार के हमारे प्रभारी हैं तो भी केंद्रीय नेता इस नाते से समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज उपस्थित श्री मूलचंद जी शर्मा, बनवारी लाल जी जो हमारे प्रदेश के मंत्री, डॉक्टर सुधा यादव, श्री रविंद्र राजू जी वर्तमान संगठन मंत्री, और साथ में मैं स्वागत करता हूं अपने प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री श्री सुरेश भट्ट जी का भी। वर्तमान में
उत्तराखंड में क्या महामंत्री, उत्तराखंड में प्रदेश के महामंत्री आप बने हैं और अभी चुनाव में पूरी बागडोर चुनाव की एक प्रकार से आपके हाथ में रही, उत्तराखंड में हमारी सरकार बनी, इसके लिए मैं सुरेश भट्ट जी को बधाई भी देता हूं। 5 जिलों के अपने सब कार्यकर्ता, पार्टी के अध्यक्ष, हमारे सभी विधायक, अन्य सभी स्थानीय जो हमारी संस्थाएं हैं उनके जनप्रतिनिधिगण, सभी विभिन्न मोर्चों के विभिन्न स्तर के पदाधिकारीगण, मंडल स्तर के अथवा अन्य स्तर के सभी 5 जिलों के कार्यकर्ता बंधुओं, आज ये सुनहरा अवसर भारतीय जनता पार्टी का पंचकुला जिले का ये कार्यालय, अब कहेंगे जिला कार्यालय, लेकिन हमने तय तो ये किया है कि आसपास के जो जिले हैं जहां 5 जिले आज यहां आए हुए हैं, मुख्य रूप से यहां सबसे बड़ा ये कार्यालय इन जिलों का होगा। एक प्रकार से संगठनात्मक तौर पर यह हमारा एक क्षेत्रीय कार्यालय भी बनेगा ताकि हम अपनी बैठ के यहां सब कर सकें। आज का दिन कल बैसाखी होकर के उस त्यौहार पर भी हम लोगों ने प्रसन्नता मनाई। 14 अप्रैल दक्षिण भारत का एक प्रकार का यह नववर्ष भी कहलाता है, पोंगल का त्यौहार वहां चला है। ये जिला नगर ऐसा है गुरुग्राम जहां पूरे देश भर के सप्तांतों के लोग रहते हैं, तो मैं ऐसे नववर्ष के नाते से भी दक्षिण भारत के अपने जो लोग यहां रहते हैं उनको भी सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जयंती का दिन है। बाबा साहब अंबेडकर जी को भी हम याद करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यालय में जो इस तहत सभा कक्ष विशाल कक्ष बना है उसका नाम भी हमने डॉक्टर अंबेडकर सभागार रखा है। उनको भी आज के दिन हमने इस रूप में श्रद्धांजलि दी है। भाइयों बहनों, ये जो सफर अपना पार्टी का हरियाणा का, वैसे तो 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अगर अपने कार्यकाल से यानी जब मैं संसद मंत्री था 1994 में विपक्ष में हम लोग थे, उस समय की अगर मैं याद करता हूं तो एक घटना मैं जरूर आप लोगों का अवगत कराना चाहूंगा। उस समय हमारे पास कोई अपना कार्यालय नहीं था प्रदेश में, कहीं कहीं किराए के कार्यालय जरूर थे, इक्का दुक्का जगह पर थे, बाकी तो सब अपने कार्यकर्ताओं के घरों से ही अपनी पार्टी चलती थी। लेकिन पार्टी की वो आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। संगठन मंत्री बनते ही मैंने अपने प्रदेश के जो कार्यालय प्रमुख गुलशन भाटिया जी शायद आए होंगे, उनको मैंने कहा कि अपनी पार्टी की स्थिति क्या है बताओ, तुम्हें पार्टी चलानी है तो कैसे चलानी है। उन्होंने मुझे कहा कि ध्यान करो क्या हुआ, पंखा गिरा तो अच्छा बैठिए बैठिए। तो उनको मैंने कहा कि पार्टी की अपनी स्थिति करने लगे कि बैंक में लगभग 28-30 हजार रुपये हमारा इसमें बैलेंस है, कितने महीने काम चलेगा, करने के लगभग 2 महीने काम चलेगा। मैंने कहा चलिए 2 महीने बाद जो होगा देखेंगे। नहीं नहीं, एक बात और भी है साथ में, क्या है कि बैंक से हमने कर्ज भी उठाया हुआ है, 1,60,000 रुपए का कर्जा भी हमारे ऊपर है। बड़ा हैरान हुआ मैं कि हमारी पार्टी कर्जे में चल रही है, इस पार्टी को हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। श्रीमती सुषमा जी उस समय प्रभारी होती थी, तो सुषमा जी को मैं जाकर के मैंने कहा कि आपने मुझे प्रदेश कर्जे में दिया है, इस प्रकार से कैसे काम चलेगा। कहने लगे केंद्र में भी कोई पैसा नहीं है जो आपको हम दे दें। मैंने कहा कैसे चलाएंगे, तो उन्होंने तरकीब सुझाई कि कार्यकर्ता हमारा अगर जुट जाएगा तो सारे काम ठीक हो जाएंगे, और कार्यकर्ता को जुटने के लिए कितना काम कर सकती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अडवाणी जी हैं, अडवाणी जी का 2 दिन का समय आपको मैं देकर दे सकती हूँ, आप इनके 4-5 कार्यक्रम कराइए, पहली भेंट के कार्यक्रम होंगे और उसमें से 15% प्रदेश को हिस्सा मिल जाएगा। उसका योजना बनी, 4 उनके कार्यक्रम कराए गए और हमको लगभग प्रदेश में 15% के नाम से 3 लाख रुपया मिला, और वो 1,60,000 रुपया बैंक में जाकर के उतार करके और हमें पार्टी को उस दिशा में लेकर के आए कि कर्जे में पार्टी नहीं चलानी, हमारे जो साधन है उसी में चलाएंगे। आज प्रभु कृपा कार्यकर्ताओं के बल पर हम कभी साझी सरकार में आए, कभी फिर विपक्ष में रहे,
और पिछले 8 साल से 7.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की अपनी शुद्ध सरकार हरियाणा में चल रही है और ये कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चल रही है। भाइयों बहनों, इन कार्यकर्ताओं ने योगदान करके जगह जगह पर उत्साह से पूरा मन खोल के योगदान किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। आज स्थिति हमारी ये बनी है कि पूरे प्रदेश में आज पार्टी उस नाते से एक अच्छे स्थान पर पहुंची है। अगर हम कार्यालय के नाते से ही इसका विचार करें तो आज हमारे 22 जिलों में से ये आज 9वां जिला है जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। 9वां जिला आज उद्घाटन हो रहा है 22 में से। 2 जिले ऐसे पंचकुला और अम्बाला, इसी महीने में वो तैयार है एकदम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जरूर कहेंगे कि और समय हमको दें ताकि पंचकुला जैसा बड़ा जो कार्यालय है उसका भी उद्घाटन आपके करकमलों द्वारा हो। और 8 कार्यालय ऐसे जो इस समय निर्माण चल रहा है, सिर्फ 3 ऐसे हैं, पानीपत, सिरसा, झज्जर, प्लॉट उनका भी ले लिया गया है, उसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। 22 के 22 जिलों में हमारा कार्यालय बनेगा और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब कार्यालयों का नाम उसमें कहीं ना कहीं कमल शब्द जरूर आ जाए। सबसे जरूरी है कि कोई कमल शब्द आ जाए, आधा नाम कमल में आधा किसी और में। इस कार्यालय का नाम अभी शायद चर्चा हुई होगी, हाँ, इसका नाम गुरु कमल, गुरुग्राम से गुरु कमल, गुरुग्राम का कार्यालय, किस प्रकार से इस कार्यालय का नाम रखा गया है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि कार्यकर्ता जब अपने इरादे पर आ जाता है तो कोई भी चीज छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, उसको प्राप्त करता है। तो मैं आज इस अवसर पर हरियाणा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा। अपने आप में आज बाबा साहब जी का दिन है। बाबा साहब जी अपने समय में किस प्रकार के एक वैज्ञानिक ढंग से समाज का विश्लेषण करने वाले समाजशास्त्री थे। संविधान का निर्माता तो वो कहलाते ही हैं, लेकिन साथ में वो समाज में ऊंच नीच भेदभाव किसको दूर करने के विचार उन्होंने पूरे अपने आज हम साहित्य पढ़ते तो हमको ध्यान में आता है। वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे, वो चाहते थे कि समाज का जो गरीब वर्ग है उसको कैसे उठाया जाए। अगर हम विश्लेषण करें तो बहुत से ऐसे समाज के अंदर महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस दिशा में काम किया है। अगर अपनी पार्टी के संस्थापकों में से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, वो भी इसी मत के थे, जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति उसको हम मुख्यधारा में नहीं लाएंगे समाज सुखी नहीं हो सकता। उन्होंने हमें अंत्योदय दर्शन नाम से एक विचारधारा दी, अंतिम का उदय करो। और भारतीय जनता पार्टी की सब सरकारें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, गरीबों के कल्याण के लिए कितनी ही योजनाएं बनाई हैं, सब नीचे तक पहुंची हैं। और मैं समझता हूं कि अपने 4 प्रदेशों में इस समय जीत हुई है, उसमें जो लाभार्थी गरीब लाभार्थी है, घर में चूल्हा नहीं था, उसको गैस का सिलेंडर चूल्हा वो दिलवाया, हर घर में पानी पहुंचाया, हमने लोगों की सहायता के लिए, रोजगार के लिए कुछ सहायता सब लोगों को पहुंचाई। कितने ही ऐसे काम, हमारी हेल्थ की यानी स्वास्थ्य की चिंता उन्होंने की कि आयुष्मान भारत, इसके अंदर करोड़ों परिवारों को लाभ इसका दिलाया, ये सब लाभ हमको मिले हैं। आज हमारी सब सरकारें जो बनी है जो लाभार्थी है, उन लाभार्थियों के आधार पर जिन्होंने एक वातावरण बनाया है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं हरियाणा की बात इसमें कहकर के अपने विषय को समाप्त करूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो उन्होंने भी फिर जल्दी निकलना होगा। हमने हरियाणा में जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वहां से शुरू किया है। हमारे क्या राजनीतिक लोग कहते हैं कि हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेंगे, हमने कहा कि नहीं, हम आखिरी व्यक्ति से शुरू करेंगे। आखिरी व्यक्ति उसकी चिंता करना हमारा काम है, उसके परिवार में सुख समृद्धि कैसे आए, बच्चों की शिक्षा कैसे हो, स्वास्थ्य खराब हुआ उनकी बीमारी के कारण से इलाज, आयुष्मान भारत का लाभ उनको कैसे मिले, उनके नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, कोई भी समस्या उनकी है सबसे पहले उनको हल करना। तो उसके लिए बड़ी योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का समय समय पर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाती है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिनकी आय कम है उनके लिए उनके बच्चों की शिक्षा, हमने तो यहां तक कर दिया है कि सरकारी स्कूलों में तो फ्री होगी,
लेकिन कंपटीशन के आधार पर अगर प्राइवेट स्कूल भी उनके बच्चों को अपने एडमिशन देते हैं उसकी फीस भी सरकार देगी, ये हमने नया निर्णय किया है। ये जो 134A की बात चलती है उससे भी आगे बढ़कर हमने किया है। राइट टू एजुकेशन में 25% तो बच्चों को दाखिला मिलेगा ही पहली कक्षा में, ऊपर की कक्षाओं में अगर उनके बच्चों को एडमिशन देता है तो सरकार द्वारा नियत की गई फीस ये उन सरकारी स्कूलों को मुहैया कराई जाएगी। इसी प्रकार से उन परिवारों में जिनके अभी पीले कार्ड नहीं है उनके सबके बीपीएल के कार्ड ये सबके बनाए जाएंगे, घर में पहुंचाए जाएंगे, किसी को आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जो बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के हो गए उनकी सबकी ऑटोमेटिक अब पेंशन बनेगी, किसी को अप्लाई करने का आवेदन करने का कार्यालय चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ना दरखास्त होगी ना दस्तावेज होगा, वो सब ऑटोमेटिकली परिवार पहचान पत्र में से बनेंगे। रोजगार के नाते हम मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के नाते मेले लगा रहे हैं, उन मेलों में रोजगारों को ये सहायता दी जाएगी। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का भाव यह है कि अगर समाज का अंतिम व्यक्ति, समाज में कमजोर वर्ग, वो अगर अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो हम इस समाज को स्वाभिमान के तौर पर आगे बढ़ाएंगे, समाज हमारे साथ जुड़ेगा। आजकल एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने एक उल्टी पॉलिसी चलाई है, मोदी जी ने पॉलिसी चलाई स्टैंड अप पॉलिसी, यानी रोजगार प्राप्त उनको दिला करके उनको कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, लेकिन वो हमारे एक नेता ऐसे हुए हैं उन्होंने सिट डाउन पॉलिसी बना दी है कि बैठे रहो कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ये मुफ्त दूंगा, ये मुफ्त दूंगा, ये मुफ्त दूंगा। ये एक बहुत बड़ी बीमारी ये समाज में पैदा हो रही है, इसको कैसे हमको ठीक करना है, कैसे जन जागरण करना, जनता को समझाना है कि फ्री बांट करके चला नहीं पाएंगे। दिल्ली अलग बात थी, पंजाब में हालत खराब हुई है, पंजाब जो है अब कर्ज में डूबा पड़ा है। ये फ्री की राजनीति करने वाला व्यक्ति पहले दिन घोषणा करते हैं हम फ्री देंगे फ्री देंगे, अगले दिन कटोरा लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाते हैं कि हमको 50,000 करोड़ रुपया दे दो ताकि हम पंजाब को चला सकें। ये डबल गेम नहीं चलेगा कि धोखा दो राजनीति करो मुफ्त देंगे और फिर बाद में पहुंच जाओ प्रधानमंत्री के पास। यदि आपका दम है तो फिर फ्री बांटो, दम नहीं है तो कहे को शेखी बघारते हो। तो इस नाते से ये विषय मैं इसलिए रख रहा हूं कि आपके सामने समय समय पर यह विषय आएगा, इसको मुकाबला करने के लिए हमको अपने सिद्धांत के आधार पर एक स्वाभिमान जागृत करने के लिए जनता को जागृत करना पड़ेगा ताकि इस बीमारी को यहां छुआने ना दे हम। इस नाते से आज के अवसर पर मैं पुनः इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को अपना ये कार्यालय का उद्घाटन इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री मोदी जी का। अब मैं निवेदन करूंगा वेदपाल जी प्रदेश महामंत्री अपने पूर्व में संगठन महामंत्री रहे सुरेश भट्ट जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे, पवन सैनी जी और वेदपाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को से और प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का एक मूवमेंटो, ये मां शीतला की पावन भूमि है, और एक मूवमेंटो देकर स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वो हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे बहुत ही जुझारू कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी, हम
भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री भूपेंद्र यादव जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी राव इंद्रजीत सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय कृष्णपाल गुर्जर जी, बहन सुधा यादव जी, पूर्व सांसद वर्तमान में सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे पूर्व में संगठन मंत्री रहे सुरेश भट्ट जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, मंत्री हरियाणा सरकार मूलचंद शर्मा जी जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, रविंद्र राजू जी, मोहनलाल बरोली जी जो महामंत्री हैं, वेदपाल जी, पवन सैनी जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आज हर्षोल्लास के साथ त्योहार के रूप में मनाते हुए अपने प्रादेशिक कार्यालय गुरु कमल के उद्घाटन में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी गण, आज गुरुग्राम गुरु भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये गुरु द्रोण की नगरी जिसे मैं नमन भी करता हूं और साथ ही साथ अभी जिनकी मुझे मूर्ति दी गई शीतला माता को का प्रसिद्ध मंदिर, वैसे ही प्राचीन शनि मंदिर और हनुमान मंदिर जो यहां विराजमान है, इन सभी को मैं नमन करते हुए गुरु की भूमि, गुरु द्रोण की भूमि पर आने पर आप सब लोगों ने जो अभिनंदन और स्वागत किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और प्रदेश कार्यालय के खुलने के शुभ अवसर पर आपको बधाई भी देता हूं, आपको साधुवाद भी देता हूं, आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन दो घटनाएं घटी, एक तो बैसाखी है और जब हम बैसाखी को याद करते हैं तो सिख पंथ के जो दसवें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने जो इसको सर्जना दिवस के रूप में मनाया और सिख पंथ को सजाते हुए इसके नए आयाम स्थापित किए, वो बैसाखी के दिन भी मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको इसके लिए बधाई देता हूं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, उनकी 131वीं जन्म जयंती। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। आज जो ये खूबसूरत भारत का हम प्रजातांत्रिक देश की व्यवस्था देख